No, sorry, come again. We'll start with a name first. Okay. I'll ask your name. I'll ask fine, the fine, fine. Running. Fair enough, yeah. Rolling? Okay, so sir, सबसे पहले आपका नाम और आप कैसे associated हैं Meek Pharma City के? मैं अनुज माथुर, आई एम MD एंड CEO ऑफ कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस. और ये हमारी जो मी फॉर माई सिटी इनिशिएटिव है, वी आर रनिंग फॉर लास्ट 4 years. और ये हमारा फोर्थ वो है जिसमें हमने इस बार म्यूज़िक से एसोसिएट किया है, क्योंकि अगर आप देखें फॉर लास्ट 2 years पीपल गॉट रियली बोर्ड ड्यूरिंग पेंडेमिक पीरियड, एंड वी थॉट देर शुड बी सम फन, सम एक्टिविटी विच कस्टमर्स शुड बी डूइंग, आर पीपल शुड बी, एंड दैट्स व्हेन वी लॉन्च दिस मी फॉर माई सिटी एंड विद म्यूज़िक एज अ थीम एंड इन पर्टिकुलर the traditional folklore, that was our priority, and I think we have seen very good response, and today we'll see and facilitate the winners. Yeah, me for my city aaj bahut sare artists perform bhi karne wale hain, so kya kuch aur aap batana chahenge aaj ke night? To isme dekhiye humne kya kiya tha, isme humne 4 regions mein inko divide kiya tha, aur har ek region mein se logon ne wahan pe participate kiya, aur usme se jo winners the wo ek panel ne decide kiya, aur wo winners aaj hum yahan pe gaake bhi sunayenge aur hum unko facilitate bhi karenge. और ये ट्रेडिशनल उसमें होगा, तो नॉट ओनली बॉलीवुड सॉन्ग्स, वी विल हियर सम ट्रेडिशनल सॉन्ग्स आल्सो टुडे. तो ये जो विनर्स होंगे उनको जज कैसे किया जाएगा, मतलब क्या लाइव पोलिंग होगी या क्या होगा? नहीं, वो प्रोसेस हो चुका है, तो हमने एक इंडिपेंडेंट EY को अपॉइंट किया था, उन्होंने डिसाइड किया विनर्स को अलॉन्ग विद द पैनल. अगर म्यूजिक की बात की जाए, मी फॉर माई सिटी किस तरह से आपने डिसाइड किया कि हाँ ये म्यूजिक इंपॉर्टेंट पार्ट ये रखे? हाँ, जैसे मैंने बताया कि मतलब हमारा जो देश है इतना अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो हमें लगा सबको इकट्ठा लाने के लिए एक इस टाइप का कंटेस्ट करते हैं जिसमें हर कोई अपने तरफ से, जो भी जहाँ को भी बिलोंग करता है, अगर साउथ को बिलोंग करता है, नॉर्थ को बिलोंग करता है, वो अपने जो ट्रेडिशनल फोकलोर है उसमें गाएंगे. तो ये बहुत डिफरेंट है, ये टिपिकल एक कोई वो नहीं है, बॉलीवुड कॉन्टेस्ट नहीं है. यहाँ पर आप देखेंगे और उसमें मैस्ट्रोज भी हैं, आज आप देखेंगे 4 रीजन से 4 मैस्ट्रोज हैं जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लेकिन म्यूजिक को ही क्यों चुना, डांस भी तो हो सकता है, फोक डांस भी हो सकता. नहीं देखिए, ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वो सबको एक अंदर से फीलिंग आती है, डांस इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव, बट एक म्यूज़िक का एक अलग ही चार्म होता है और उससे जो कला है वो निकल के आती है, लोग गाते हैं तो उनका जो कला है, उनके जो अनुभव है वो उसमें पता लगता है, तो इसलिए हमने म्यूज़िक सोचा. ओके, और कुछ कहना चाहते हैं आज शाम के लिए? मी फॉर माई सिटी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारी कंपनी का, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, बिकॉज ये एक हमारे गर्व की बात है अपने देश के लिए, अपनी सिटी के लिए. सो मी फॉर माई सिटी, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. ओके, सो आई एम द चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर तरन्नुम हसीब एट कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. सो मी फॉर माई सिटी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज टू आर हार्ट इनिशिएटिव. एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्टेड दिस 4 years बैक एंड इट्स बीन अ फैबुलस जर्नी. सो ईयर 1 वी स्टार्टेड विद पेंटिंग ग्रेफिटी ऑन द वॉल्स. ईयर 2 वी एक्चुअली वेंट अराउंड द कंट्री एंड पेंटेड 20 रेलवे स्टेशंस. And the unique part is every year we just went with the culture of that particular city. So if you go to these cities, you will see graffitis with the culture of that city. So culture has been the core of this initiative. Last year being a COVID year, we of course could not do an on-ground activity. So we actually went to the COVID heroes of every state and city and identified them. And we published a coffee table book with heroic stories of these heroes. This year is again a unique initiative, and we thought with COVID dampening everyone's mood, we needed to get back and, you know, pep up everyone. So we thought, why not music? Because music is a very healing thing and it heals everyone. So we said, let us do traditional and folk music, which is actually, you know, for each state a special representative. And India is so diverse, so, you know, such a rich culture, so much of music around, and each state has so much of diversity. So this year we went around looking for people who could sing traditional and folk music, and it was a fantastic event because we went around the country and we had 4 maestros who actually shortlisted and selected winners. And today is the grand finale of that event, and we have Salim Merchant, who's the face of the event. We have 4 maestros. One is Mame Khan, we have Lakhvinder Vadali, we have Hamsika, so, you know, all these people, and Papa in the East. So it's been a wonderful journey, and we hope everyone will enjoy this evening tonight. Thank you. I think it was too long. You can No, it's fine, it's fine. Me for my city. Yeah. Excitement apne aap mein, me for my city. Naam hi aisa hai. मी फॉर माई सिटी का मतलब ये कि अपना सिटी, अपनी सिटी में जो कुछ लोकल चीज़ें हैं, जो कभी कभार मतलब
बहुत टाइम से जो चली हुई आ रही है वो मतलब रियल चीज़ है, जो ट्रू है, जो वो उसको वापस हम लोग खोज कर रहे हैं, उसको वापस प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। इट्स रियली ग्रेट एक्साइटमेंट एंड एज ए यू नो मैंने कुछ फिल्मों में गाने गाए हैं। लक बाई चांस में पहला मेरा गाना था भावरे, बट यू नो स्टिल उसके बाद में और भी फिल्मों किया, शंकर एहसान के साथ उनके साथ काम किया, विशाल जी का साथ, अमित के साथ में, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे अपने जो म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर उनके साथ काम किया, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी फॉक सिंगर, मैं एक फॉक सिंगर हूँ, वही अपने आप को करना अच्छा लगता है, तो वो एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं एक फॉक सिंगर हूँ और ये जो मी फॉर माय सिटी, ये जो इनिशिएटिव है, यू नो दिस इज रिलेटेड टू फॉक म्यूजिक, रिलेटेड टू मतलब जो चीज़ें मतलब चली गई उसको वापस लाने के लिए, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ डिफिकल्ट तो रहता है क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट है, हमारा हिंदुस्तान पूरा टैलेंट से भरा हुआ है, बट स्टिल कि जो 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 पार्टिसिपेट है वो इजी भी कर देते हैं आपके लिए, है ना, जब आप देखते हैं उनका लाइनअप देखते हैं, एक को सुनते हैं दूसरे को सुनते हैं, तो यू नो वो आपके लिए ईजी भी कर लेते हैं, डिफिकल्ट भी होता है और ईजी वही करते हैं आपके लिए कि किसको आप चूज करें, बट यू नो ओवरऑल जिनको भी मैंने सुना वो सब अच्छे गाने हैं। किस बेसिस पे आप जज करते हैं? मैं जो जज करता हूँ एक तो सुर के हिसाब से, सच्चा सुर जो यहाँ लगना चाहिए, यहाँ से नहीं यहाँ से करना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, एक तो वो होता है, और दूसरा अच्छा परफॉर्मर भी होना चाहिए, आपका फेस कैसा दिखता है पब्लिक में, यू नो परफॉर्मर भी जरूरी है, जस्ट गुड सिंगर इज नॉट एनफ, तो परफॉर्मर भी होना जरूरी है, बीट ताल में भी होना जरूरी है, तो और जो वॉइस है वॉइस की आपकी क्वालिटी क्या है, वॉइस में देखिए टैलेंट 75%, प्रैक्टिस 25%। टैलेंट मिलता है गॉड गिफ्ट, फिर उसको अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसको तराशते हैं, तो फिर 100% मतलब तो इक्वल है, आई विल से एट द एंड इट्स इक्वल 50-50 है, तो वो भी जरूरी है। सर यू नो फोक सॉन्ग ये जो है काफ़ी ऊपर मतलब निखरता नहीं जा रहा है, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं फोक सॉन्ग अभी ट्रेंड में नहीं है, हिप हॉप पैपी सॉन्ग्स काफ़ी ट्रेंड में होते हैं, तो आपको ये लगता है कि बेटर प्लेटफॉर्म था मी फॉर माय सिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से नो बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज वॉज वेरी गुड। जो आपने बोला कि फोक सॉन्ग उभरते हुए नहीं आ रहे, इसके लिए भी मैं बोलूँगा नो। क्यों? क्योंकि 2012 से लेकर मैंने जो एक बीड़ा उठाया था, मैंने एक प्रॉमिस किया था अपने आप को कि जो लोग बोलते ना फोक आर्ट इज लाइक आर्ट, वो मैं लोगों को कहने नहीं दूंगा, और वो मैंने करके दिखाया, वो कर रहा हूँ, तो ये आंसर था मेरा। जो आप बोल रहे उभर नहीं रहे, उभर रहे, देर इज मतलब ऑडियंस है, यंग है। अब मेरा सोशल मीडिया उठा के देखोगे तो मेरे जो चाहने वाले जो फैन फॉलोइंग है वो है यंग जनरेशन फ्रॉम 0 to 60 है ना। तो हाँ डिपेंड करता है कि आप फोक म्यूजिक को प्रेजेंट कैसे करते हो, अच्छी डिश बनाते हैं, फिर अच्छी डिश बनाने के बाद अच्छी प्लेट में सर्व भी करना जरूरी होता है। तो मतलब हम लोग कामयाब हो रहे हैं, आई मीन फोक म्यूजिक का मतलब ये फ्रॉम पीपल फॉर पीपल, हमारा अपना म्यूजिक लोक संगीत and me for my city, this is really great platform, I will say it's really great platform, great initiative by Canada HSBC OBC Life Insurance ki unhone ye initiative ye bida uthaya, and I'm very happy, I'm double happy kyunki actually I wanted to jo main cheez karna chahta tha, actually maine pehle bhi bola ki main folk music ko jo log bolte hain ki it's a dying art, but abhi maine jo cheez main karta hua aa raha hu folk music ko main sath jo fusion kar raha hu se matlab audience jo sun rahi hai acha response de rahi hai kya chahiye देखिए ये जो इनिशिएटिव है ऑफ कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ही मज़ेदार इनिशिएटिव है बिकॉज इंडिया मीन्स फूड म्यूजिक यू नो कल्चर्स एंड फोक जो है एक एसेंस इज वास्ट एंड एवरी स्टेट कम्स विद एक अलग तड़का सो ये जो हम सब आए हैं यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव हमको इतने मज़ेदार सिंगर्स सुनने मिले लाइक न्यू कमर्स सो इट वॉज वेरी नाइस टू लर्न सो मच फ्रॉम द न्यू कमर्स एंड टू बी पार्ट ऑफ एन टू मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दैट बी फॉर माई सिटी जो कैनरा HSBC और OBC ने जो ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये मेरी मैं अगर ये कहूँ तो एक अपने एक मूवमेंट है और
म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है मतलब हर प्रांत को हर लोग को जोड़ता है और ये जो चीज़ जो शुरू हुई है ये एक कारवा है और ये कारवा बढ़ता जाए हालांकि ये 4 साल से हो रहा है बट म्यूज़िक बी फॉर माई सिटी इज़ द फर्स्ट ईयर एंड इट्स जो ये फोक म्यूज़िक का जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छी मूवमेंट है बस मैं समझता हूँ कि ये चलता रहे ये बढ़ता रहे और लोग और भी जुड़े उससे और आर्टिस्ट जुड़े एक देखिए म्यूज़िक हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पावरफुल है म्यूज़िक और डांस बट मैं म्यूज़िक का कहूँ तो मैं सिर्फ म्यूज़िक मैं उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ सो मैं कहूँगी म्यूज़िक इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर पीपल बहुत सारे लोग जो लैंग्वेज नहीं भी ज़बान अपनी जो समझते नहीं है हिंदी ज़बान जो है वो भी यू नो इस चीज़ से जुड़े हुए बिकॉज ये जो फोक म्यूज़िक है वो मतलब इट डजंट मैटर मतलब आप यू नो अगर भोजपुरी गाते हो पंजाबी गाते हो राजस्थानी गाते हो गुजराती गाते हो म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज होती नहीं तो ये जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है बहुत बड़ी है इसकी सोच बहुत बड़ी है और मेरी आशा है कि ये बढ़ता रहेगा मैं नहीं मानता बहुत सारे लोग सोचते कि ये मतलब हम तो इसको ज़िंदा रखेंगे और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने कुछ 2 साल पहले एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम है भूमि मैं ट्रेडिशनल म्यूज़िक हमारी संस्कृति से जुड़ी फोक चीज़ें क्लासिकल चीज़ें बंदिशें खुबरीज ये सब मैं इसको रिक्रिएट करता हूँ उसको वापस कुछ नए कॉम्पोजिशन हैं जो रागों से जुड़े हुए हैं कुछ पुराने कॉम्पोजिशन हैं जो बहुत सालों पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको मैं वापस ले आ रहा हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ और कैनरा और HSBC OBC भी एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू किया हुआ है फोक म्यूज़िक को लेकर और मुझे नहीं लगता कि फोक म्यूज़िक ऐसी चीज़ें जो कभी मर सकती है मतलब सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलेगी फिल्मों में भी ये जिंदा है ये जाहिर है बहुत सारे फिल्म्स में भी फोक म्यूज़िक की जो खुशबू है बॉलीवुड म्यूज़िक में भी आप उसको सुन सकते हैं आपको लगता है कि शायद ये नहीं है लेकिन बहुत सारे गानों में ये छुपी हुई है और जिंदा है और जिंदा रहेगी या आप ये म्यूजिक एल्बम सॉन्ग अभी सिंगल बहुत कर रहे हैं उसके बारे में क्या बोल रहे हैं बोलना चाहेंगे क्योंकि अभी ये ट्रेंड भी चल रहा है और आप ये दर्शकों को मतलब एक अलग तरीके से अपना वो पेशकश दिखा रहे हैं कि ऑडियंस बोर ना हो मैं समझता हूँ कि लेकर आ रहे हैं देखिए मैं मतलब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक और फिल्म म्यूज़िक के बीच में कोई सीमा रही नहीं बॉलीवुड म्यूज़िक इंडिपेंडेंट साउंड करने लगा है और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है वो थोड़ा कमर्शियल बॉलीवुड साउंड करने लगा तो ये डिवाइड जो है वो बिल्कुल अब है नहीं मैं सिर्फ मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छा म्यूज़िक करने की कोशिश करता हूँ चाहे वो फिल्मों में हो या नॉन फिल्म में मेरे लिए जब मैं फिल्म म्यूज़िक भी करता था ये भी कर रहा हूँ जब कुछ कुछ मेरे गाने थे जैसे कि हैवी है मतलब बड़े कमर्शियल गाने थे बट वो ट्रेडिशनल फोक इसमें कलर था इसमें मेरी कोशिश थी कि मैं उसको एक अलग अंदाज में पेश करूँ चाहे वो कुर्बान हो या फैशन हो या व्हाटएवर एक कोशिश यही रहती है कि म्यूज़िक जो हो वो गुड म्यूज़िक हो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आई डू अ गुड सॉन्ग रादर देन ट्राई टू क्रिएट अ हिट सॉन्ग बिकॉज व्हेन यू डू अ गुड सॉन्ग इट विल ऑलवेज बी अ हिट व्हेन यू ट्राई टू डू अ हिट सॉन्ग It can be a miss. Thank you so much.